तो आज हम बात करेंगे धर्मी के ऊपर आज का ये टॉपिक है मेरा धर्मी क्योंकि धर्मी पर परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह करता है कितने लोगों को पता कि हम धर्मी हैं कितने लोगों को पता कि हम धर्मी हैं धर्मी सबको पता हम धर्मी हैं सबको पता है ना पर कई लोग अभी भी मसीह में आकर अपने आप को वो पापी समझते हैं कि हम पापी हैं आज वो सिस्टर आई है मनप्रीत कहाँ है मनप्रीत जो कल के परसों शायद कल के परसों आई थी वो हाँ, आज नहीं आई ठीक है कल यहाँ पे एक सिस्टर आई काफी परेशान थी अपनी लाइफ को लेकर बोले क्या थी काफी परेशान थी और बोन क्रिश्चन है बचपन से प्रभु को जानती है पर सत्य का नहीं पता वो लगे हैं सत्य का नहीं पता उसे सत्य का उसके जीवन में बहुत दुख है बोले क्या हैं चर्च तो जा रही है पर जो वो चाहती वो कुछ भी उसके जीवन में कुछ भी नहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और कल यहाँ पे आई और हमने कुछ अनुग्रह के पॉइंट उसे समझाए पॉजिटिव प्रेयर के बारे बताया पॉजिटिव विश्वास के बारे बताया जैसे जब टीम ने इन बच्चों ने बात की तो इन्होंने कहा कि आप प्रार्थना कैसे करते हो करो तो वो प्रार्थना करने लगी कि ऐसे प्रभु मुझ पर ध्यान कर मैं पापी हूँ मैं गुनाहार हूँ में कोई भी खूबी लियाकत नहीं है क्या नहीं है मुझ में कोई भी खूबी लियाकत नहीं है प्रभु मुझ पर ध्यान कर कृपा कर मैं पापी हूँ हैं? कई लोग अभी भी प्रभु में हैं और आज भी वो प्रार्थना करते हैं कि हम पापी हम दया करो हम गुनागार हैं हमारे गनाहों की हमें माफी दो उन्हें नहीं पता कि गुनाहों से माफी मिल गई है अब हम पापी नहीं हैं बोलो कहे हम धर्मी हैं अब हम आमनी हैं खास हैं परमेश्वर की खास प्रजा हैं समझ आ रही है पर बहुत सारे लोग सत्य को अच्छे तरीके से ना जानने के कारण जब ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर पर दया कर हम पापी हैं जब उसे सही कल सब चीजें समझाई बोले क्या समझाई सही चीजें दिखाई कि क्या करना है समझ आ रही तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को जैसे ना पता होने के कारण जैसे बाइबल में लिखा कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण क्या हो रही है क्या हो रही है बोलो नाश हो रही है नाश पर जो ज्ञान को समझता है सुलेमान कहता है उसका कल्याण होता है ज्ञान न होने से वो नाश हो रहे हैं और ज्ञान को समझने से उनका कल्याण होता है समझ आ रही है? सो इसलिए जिस खुदा ने आपको अंधकार में से बोलाया है बाइबल हमें कहती अब प्रभु में तुम ज्योति हो बोलो क्या तुम ज्योति हो ज्योति की संतान हो अंधेरे की नहीं हो अभी क्योंकि पापों से ही क्या मिलगी हमें माफी मिलगी अब हम पापी नहीं है बोलो क्या अब हम पापी हम धर्मी हैं बोलो क्या हम हम धर्मी हैं हाँ एक चीज जरूर है अगर खुदा ने आपके गुनाह गुनाहों से आपको माफी दे दी है आप पापी नहीं हो धर्मी हो आप प्रभु में ज्योति हो अंधकार में नहीं हो पर एक चीज जरूर परमेश्वर कहते हैं जैसे इब्रानियों दस के छब्बीस में लिखा के यदि को सचियाई को प्राप्त करने के बाद अगर वो जान बुझ कर पाप करे तो पापों के पश्चात फिर कोई दूसरा बलिदान दूसरा बलिदान नहीं है हाँ एक, एक, एक विरोधियों को वो भस्म करने वाला एक आग एक ज्वलन वो बाकी है बोलो क्या है? फिर जो सच्चाई को जानकर भी जानबूझकर लिखा पाप करेंगे बोलो क्या करेंगे उनके लिए लिखा दंड का बाट जोना बोलो क्या दंड का बाट जोना और एक ज्वलन बाकी है फिर इसलिए परमेश्वर ने माफी दे दिया अभी हमने कोई पाप नहीं करना कोई गलत रास्ते नहीं करना कोई पाप वाली चीजें नहीं करनी हम एक वचन को देखते हैं रोमियो पांच की एक निकालो पांच का एक यहाँ पे लिखा जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई है और विश्वास की महिमा की आशा पर घमंड करें केवल यही निवर्ण कलेशों में भी घमंड करें जान करके कलेशों से धीरस और धीरेज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लच्छा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है आमीन इसलिए बाइबल हमें कहती है कि जब हम ईश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें जिसके द्वारा अब हमारी उस अनुग्रह तक पहुंच होगी पहले नहीं थी क्योंकि अनुग्रह कृपा हुई ना बोले क्या अनुग्रह से लिखा हमारी पहुंच होगी जैसे शुरू में बोले क्या है शुरू में जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने तंबू को बनाया तो वहां पे हर जन उस तंबू के अंदर नहीं जा सकता था बोले हर जन उस तंबू के अंदर नहीं जा सकता था सिर्फ जाजक लोग और महाजाजक साल में एक बार जहाँ पे पवित्र स्थान था वहाँ महाजाजक तो साल में बस एक बार जाता था जाजक लोग तो दूसरे भा, भाग में ही बस सेवा करते थे जो अति पवित्र स्थान था जो जहाँ पे ये वचन हरून की शरी वो मन्ना सब चीज़ें वो धूप तानी रखी थी वहाँ पे तो जाजक भी नहीं सिर्फ लिखा की सिर्फ साल में एक बार जाता था और वो भी बिना लहू पापों की क्षमा के कारण नहीं जाता था अगर उसने भी कोई पाप किया है तो उसे जब वो अंदर जाता था उसके पाओ में रस्सी बांध के फिर वो जाता था अगर उसने कोई गुनाह किया पाप किया तो उसके अंदर डेथ हो जाती थी फिर कोई अंदर उसे उठा नहीं सकता फिर वो खींच लेते थे बनास खुदा का अनुग्रह हुआ है क्या हुआ है आज उसकी कृपा हुई बोलो क्या हुई आज आज कृपा हुई है जो यीशु मसीह से पहले जो मूसा की व्यवस्था में हर जन उस तंबू के पास मतलब तंबू के अंदर जाना मतलब परमेश्वर के पास जाना कोई नहीं जा सकता था क्योंकि उस समय पाप था हर बार में कहती जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं क्या ठहरे हैं जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और उसकी आशा पे घमंड करें क्या करें अभी उसकी आशा पे घमंड करें घमंड पहले नहीं थे समझ आ रही है अभी तो अनुग्रह है ना पुराने नियम में तो सब खुदा के पास नहीं जा सकते थे जाजक लोग जो जिस काम के लिए उनका अभिषेक हुआ था तो मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा सबका पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर दिया अभिषेक कर दिया आज तो हमारा सबका पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश ने अभिषेक कर दिया अपने भले कामों के लिए हमें सबका अभी हमें सबको खुदा के पास जाने की बोलो क्या है ऐसे परमेश्वर ने क्या कर दिए है अभी हम सब जा सकते हैं पहले नहीं थे ये मेल नहीं था लिखा जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे क्या ठहरे हम हम के द्वारा क्या ठहरे अभी धर्मी ठहरे जैसे नियम में लोग धर्मी ठहरने के लिए क्या कुछ करते मूसा की व्यवस्था में क्या क्या लोग करते थे आज तो हम किसके लहू से धर्मी ठहरे तो लिखा आज हमारी पहुंच हुई बोलो क्या ही? कैसे पहुंच हुई है जब हम योहन्ना की अंशील उसकी एक अध्याय से पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर है बोल क्या है वहाँ पे क्लियर होता है चलो हम थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आए हाँ जाओ एक अध्याय लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था यही आदि में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यहन्ना था वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को, को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अर्धा अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं हमें बोलो क्या है जो उसके नाम पर क्या रखते हैं विश्वास रखते हैं तो ऐसे लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था यही आदि से परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ बिना उसके कोई भी चीज बोलो क्या है बिना यीशु के कोई भी चीज ऐसे नहीं बनी उसमें जीवन था लिखा जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया पर लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दिया अधिकार दिया क्या दे दिया जितनों ने यीशु को ऐसे ग्रहण किया अपना मुक्तिदाता कबूल किया क्या किया यीशु कि मेरे भी पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया तीसरे मुर्दों में से जी उठाए लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने क्या दिया अपनी संतान होने का हक दिया बोलो क्या है पर लिखा सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी पर जगत ने उसे नहीं पहचाना सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी और जगत ने उसे नहीं पहचाना माइक के वास थोड़े फ्लैट करो साफ करो थोड़ी और गूंज बहुत ज्यादा है को समझ आ रही है। बोलो है लेकिन सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी बोलो क्या है और जगत ने उसे नहीं पहचाना पर जितनों ने उसे पहचाना और विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने लिखा अपनी संतान होने का हक मतलब अधिकार दिया अब मसीह पे मसीह के नाम से हम विश्वास करके उस परमेश्वर पर हम क्या बन गए सब उसके बेटे और बेटियां क्या बन गए बोलो बेटे और बेटियां क्या बन गए बोलो बेटे और बेटियां अब आप सबको ये हक क्या अधिकार है क्योंकि हम किसकी संतान बन गए किसके बेटे बेटी बन गए पहले नहीं था जब पहले अनुग्रह नहीं जब कृपा नहीं हुई थी पहले नहीं था पर अब हम सब अपनी अपनी हर एक बात को खुदा के पास लेकर जा सकते हैं ये हक थे क्योंकि आप किसकी बेटी बन गए मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा आप किसका बेटा बन गए तो अभी आपको सबको परमेश्वर के निकट जाने का अधिकार है चलो मैं इसको आपको और क्लियर करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अगर हम ऑफिसियों में जाएं, ऑफिसियों की पत्री निकालो तो इसका दो अध्याय दो के ग्यारह से पढ़ते हैं इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से जाती और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने में खतना वाले कहलाते थे वे तुमको खतना रहत कहते थे तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पात से अलग किए हुए थे और प्रतिक्रियाओं के और वाचाओं के बाकी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे क्या थे बोलो कित्तों को समझ आ रही है। तो क्या थे हम तुम लोग उस समय लिखा मसीह से अलग क्योंकि शुरू में मसीह किन लोगों के लिए आया सिर्फ यहूदियों के लिए इसराइलियों के लिए पूरी पृथ्वी की सब जातियों के लिए नहीं आया ये तो एक परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ हम पर बोलो क्या हुआ है यह का बड़ा अनुग्रह हुआ अगर हम मत्ती पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि इज़राइल की खोई हुई बेड़ों के सवाए दूसरी जातियों के पास नहीं जाना सिर्फ उन्हीं को सुसमाचार जे सुनाना और जब उन्होंने उस सुसमाचार को ऐसे अच्छे मन से ग्रहण नहीं किया ये की अन्य जातियों पर भी फिर सब पर क्या हुई बोलो क्या है एक कृपा हुई है बड़ी कृपा हुई ये छोटी सी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है जब हम नहीं समझते तो जब हमें ज्ञान का सही से समझ नहीं होती तो हमें छोटी सी ये बात लगती है हाँ कोई बात नहीं है जी समझ आ रही मेरी बात तो ईश्वर ने चेलों को कहा तुम तो इज़राइल की खोई हुई बेड़ों के अलावा अन्य जातियों के पास नहीं जाना दूसरों के पास नहीं जाना बोलो दूसरों के पास पर यह परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह हुआ कि जब उन लोगों ने प्रभु के वचन को इतने मन से नहीं लिया तो परमेश्वर की दया लिखा फिर अन्य जातियों पर भी हुई क्या हुई इसलिए ये यहां पे लिखा आ, इस, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शरीर की रीति से अन्य जाति हो अन्य जाति का मतलब तुम परमेश्वर के नहीं थे और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना खतने से खतना वाले कहलाते तुम को खतना रहत कहते थे क्योंकि जो उस समय मूसा की व्यवस्था जो लोग परमेश्वर के थे उनका खतना होता था खतना कि वो किसके लोग हैं तो लिखा हम तो खतना रहते बोलो कहते हम हम तो खतना रहते खतना रहते खतना समझते जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसे कट लगाते हैं छोटा सा तो वो ऐसे उससे सोचते हैं ये एक परमेश्वर का है तो उसका खतना करते थे यीशु मसीह का भी खतना हुआ है बोलो कहें अगर आप बाइबल को आप रीड करते हो अच्छे से पढ़ते हो तो लिखा आठवें दिन यीशु मसीह का भी खतना हुआ क्योंकि वो भी बोलो क्या है मुसा की दी हुई व्यवस्था के बीच ही मसीह भी पैदा हुआ ना इसलिए अगर आप आ, मत्ती पाँच की ऐसे वहां पे ऐसे आठ में लिखा है एक सेकंड में देखता हूं बत्ती हा तो अठारह में लिखा अठारह नहीं सतारह में लिखा ये ना समझो मैं यशुम सिंह ने व्यवस्था को लोप करने आया हूं मैं लोप करने नहीं मैं पूरा करने है। क्योंकि जब यीशु मसीह भी पैदा हुए तो उस समय भी व्यवस्था चल रही थी पाप था बोलो क्या था पाप था इसलिए यीशु मसीह का भी लिखा आठवें दिन खतना हुआ खतना क्या हुआ हमारा तो कोई खतना नहीं हुआ ना बोले क्या है हमारा तो कोई खतना नहीं हुआ इसलिए यहां पे लिखा और जो लोग शरीर में आपके किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहत कहते हैं तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए वाचों के बाकी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहते जगत में क्या थे ईश्वर रहते थे ईश्वर रहता कितों का समझ आ रही है क्योंकि एक दिन हम सबका अपना अपना खुदा था था के नहीं एक दिन हम सबका अपना अपना क्या था खुदा था बोलो क्या था इसलिए लिखा हम इस जगत में इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के बाकी नाते और आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहते थे क्या थे जगत में इसीलिए हमारे जीवन में ये दुख थे प्रॉब्लम थे हालात थे कई चीजें थे कलेश नशे कई कुछ था क्या था, के नहीं था? था ना? हम एक समय अपने, अपने तरीके की अपने मन से तो खुदा की भक्ति कर रहे थे उस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे पर करके करके हमें वो जीवन शांति वो सुख नहीं मिला मसीह में आकर मिला, बोलो जो शांति जो सुख किसमें आकर मिला, मसीह में आकर मिला। इसी लिखा हम वाचाओं के बाकी ना थे आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहते समझ आ गई कितनों को आई तेरा में लिखा अब मसीह के तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में डा दिया और अपने शरीर में अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों को रीति प्रति मटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य तो उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके आ, इसके द्वारा दोनों को एक दे बनाकर परमेश्वर से मिलाए उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है क्या होती है हम दोनों को उन लोगों को भी अब हमको भी परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच बोलो क्या है इसलिए अभी हमने जो रोमियो पांच की एक में पढ़ा जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे बोलो क्या ठहरे जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो आओ बोलो क्या मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखी मेल रखी क्योंकि अब हम उस अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई पहुंच होगी ना अब परमेश्वर के पास जाने की पहले नहीं थे लिखा पहले हम जगत में ईश्वर रहते आशाहीन पर लहू लिखा के लहू से क्या हो गए हम? निकट हो निकट हो, किस नेड़े हो किसके किसके गए, गए, जो पहले दूर थे अब मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गए निकट पास हो गए अब तुम्हें हक है अधिकार है इसीलिए वहां पे यौना की अंजील में जो भी हमने पढ़ा ना एक बारह में कि जितनों ने यशो मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दिया अब तुम्हें हक क्या अधिकार है खुदा के पास जाने का अब तुम पापी नहीं हो धर्मी हो बोलो क्या अब तुम अब तुम पापी नहीं हो धर्मी हो क्योंकि लिखा परमेश्वर पापियों की नहीं किसकी सुनता लिखा धर्मी दोहाई देते हैं और परमेश्वर उन्हें सब विपत्तियों से छुडाता बोलो तो धर्मी धर्मी दोहाई देते हैं और परमेश्वर उन्हें सब से क्योंकि परमेश्वर पापियों की वो धर्मियों की सुनता है इसलिए तो श्री ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया बोलो क्या मैं पापियों को मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं और उन्हें धर्मी बनाने के लिए आया हूं बोलो क्या है अगर आप नीति वचन दस की शेप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा धर्मी पर सब आशीर्वाद आते हैं। किस पर आते हैं धर्मी पर लिखा सब आशीर्वाद खुदा के आते हैं। अगर भजन सहता बनवे पढ़ो चलो मैं इस वचन को भी देखता हूं आपके लिए भजन सहता में जाओ जबूर बानवे की बारह से बढ़ तो यहाँ पे लिखा धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबन उनके देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे वे यह के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलें फलेंगे वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे जिससे ये प्रगट हो के यह सच्चा है वे मेरी चट्टान और उसमें उसमें कुटलता कुछ भी नहीं बोलो क्या है कुटलता का मतलब वो अधर्मी नहीं समझ आ रही है तो धर्मी लोग कैसे लिखा खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समानों बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ये एक खजूर और लबानोन देवदार ये एक पेड़ बोलो क्या है जैसे खजूर का पेड़ क्या होता है एक रेगिस्तान जमीन में होता है जहां पे पानी बिल्कुल पानी नहीं होता क्या नहीं होता जो खजूर का पेड़ है वो रेगिस्तान रेत किस रेत में होते रेत वहां पे पानी बिल्कुल भी बूंद भी नहीं कोई पानी उसे नहीं मिलता खजूर को पर फिर भी वो खजूर जैसे खजूर के पत्ते देखे कितने भी उस यहां से कम से कम यहां से चार गुना ज्यादा गर्मी है चार से भी हो सकता ज्यादा तो जो खजूर का पेड़ है वो इतनी गर्मी के मौसम में भी लिखा उसके पत्ते क्या रहते हैं समझ आ रही है और वो फल देने से रुकता फल देने से रुकता नहीं इसीलिए परमेश्वर तुम्हें खजूर और लबानोन के देवदारों के समान ऐसे बांध करता है कि धर्मी लोग खजूर के समान और लबानोन बोलो क्या लबानोन कितों को समझ आ रही है बोलो क्या लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे कौन लोग जो धर्मी है धर्म तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ने की बोलो क्या है परमेश्वर तुम्हें आशीष का वचन दे रहा है किसी धर्मी को वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के, के आंगनों में फूलें फलेंगे क्या फलेंगे परमेश्वर यहोवा के आंगनों में फूले फलेंगे मतलब वो बढ़ेंगे वह पुराने होकर भी फलते रहेंगे पुराने मतलब चाहे वो पुराने मतलब जैसे भूटे भी हो जाए क्या हो जाए हम तब भी वो खुदा की आशीष हम में बढ़ती रहेगी घटेगी नहीं बोले क्या घटेगी घटेगी नहीं बोले क्या है? ये परमेश्वर एक पेड़ की न्याय हमसे बात कर रहे हैं वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे रस भरे और लहराते रहेंगे बोलो क्या? है? जैसे एक पेड़ जैसे पुराना हो जाता है पुराना तो उसके जो पत्ते हैं उसका फल जो है वो क्या हो जाता है आपने देखा ना अगर आपके कोई कोई पेड़ है कोई भी फल का पेड़ है तो बड़े सालों से सालों से बोलो कहें तो वो धीरे धीरे जब वो पुराना हो जाता वो पेड़ तो उसके जो पत्ते होते हैं उस पर जो फल आता है धीरे धीरे वो बंद हो जाता है पर जो खजूर का और लबनों ने लिखा वो पुराने होने पर बूढ़े होने पर भी इसी तरह से परमेश्वर हमें कह रहा बोल क्या है इसी तरह से परमेश्वर हमें कह रहा आपको पता मूसा जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया मूसा को बुलाया मूसा तो मूसा से पहले बोलो क्या मूसा से पहले आदम की स्टोरी और हवा की स्टोरी शुरू होती है पाप की स्टोरी शुरू होती है उसके बाद परमेश्वर ने जब पाप पृथ्वी पर बढ़ा बोलो क्या हो? पाप पृथ्वी पर बढ़ा और एक समय लिखा आ, जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर इंसान को बनाकर पछताया और परमेश्वर ने ऐसे मन में सोचा कि मेरा आत्मा कब तक मनुष्यों के साथ लोभ ववाद करता रहेगा क्या करते रहेगा लोभ ववाद करता रहेगा क्योंकि जो आदम की उम्र थी अगर आप बाइबल पढ़ो तो कम कम उसकी उम्र 930 साल थी बोलो कितनी उम्र थी आदम की पाप में गिरने के बावजूद भी लिखा उसकी उम्र 930 साल थी आदम की उम्र जबकि उसने पाप कर दिया फिर भी उसकी उम्र कितनी थी 930 साल अगर ना करता तो पता नहीं कितने हजारों साल जीता समझ आ रही मेरी पर पाप होने के कारण भी फिर भी लिखा आदम 930 साल तक जिया पहला मनुष्य और उसके बाद आप पढ़ो बाइबल को पढ़ो ना पूरा रेड करना धीरे 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 उम्र घटती गई बोलो क्या गई धीरे धीरे उम्र घटती गई समझ आ रही है और जब परमेश्वर ने मूसा को यह व्यवस्था दी थी ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा कब तक है ना ऐसे लोभ विवाद करता रहेगा क्या करता रहेगा मेरा आत्मा कब तक विवाद करता रहेगा अब मनुष्य की उम्र सिर्फ कितनी होगी 120 साल कितनी होगी उसकी उम्र 120 साल सिर्फ होगी 120 साल निश्चित कर दी तय कर दी परमेश्वर ने कि मेरा आत्मा कब तक मनुष्यों के साथ लोह विवाद करेगा और आप जब पढ़ोगे मुसा के जीवन के बारे तो मुसा लिखा पूरे जितनी परमेश्वर ने कही थी मुसा पूरा 120 साल तक होकर मरा जितनी परमेश्वर ने उम्र को निश्चित किया था पूरा किया था कि अब क्योंकि पहले तो उम्र कितनी थी अब्राहम भी कितने साल तक जिया ना 170 सौ सत्तर तक है ना बोलो क्या है उसकी उम्र भी कितनी थी तो मुसा तो पूरा 120 साल की आयु में जब वो बूढ़ा हो गया तब उसकी क्या हुई और जब आप बाइबल पढ़ो तो लिखा फिर भी उसकी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आई उसकी आंखों का जो तेज है वो कम नहीं हुआ उसकी बॉडी में कोई मतलब कमजोरी नहीं आई ना उसकी आंखों का तेज कम हुआ इसका कारण समझे क्योंकि तो मूसा ने कोई अपने जीवन में पाप नहीं किया मूसा किसकी इच्छा में चल रहा था मूसा किसकी इच्छा में चल रहा था किसकी मर्जी को पूरा कर रहा था किसकी सेवा कर रहा था किसकी सेवा कर रहा था ना इसलिए मूसा पे लिखा शरीर में कोई कमजोरी नहीं आई उसकी आंखों का तेज भी नहीं घटा जैसे हमारी उम्र जैसे जैसे क्या होती है हमारी उम्र के आयु के साल जब जो बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होता है आंखों का तेज कम होता जाता है पर मूसा का नहीं हुआ क्योंकि मूसा पूरी तरह से किसके साथ चलने वाला था बोलो क्या था किसके साथ चलने वाला था इसलिए उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मूसा भी एक धर्मी था बोले क्या था एक धर्मी इंसान था पाप करने वाला व्यक्ति नहीं था बोले क्या था वो वो पाप करने वाला व्यक्ति नहीं था परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला उसकी सेवा को पूरा करने वाला समझ आ रही है आज भी जितने लोग परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे उसकी सेवा को करेंगे उसकी मर्जी को पूरा करेंगे आज भी परमेश्वर उन्हें कहता है धर्मी लोग खसूर के समान और लबानोन देवदारों के समान वो फलेंगे और समान बढ़ते जाएंगे बोलो क्या है बढ़ते जाएंगे वो धर्मी लोग वो पुराने होने पर भी बूढ़े होने तक भी उनके पत्ते क्या होंगे वो रस भरे और लहराते रहेंगे वो फल ले आने से रुकेंगे नहीं पर कौन लोग जो धर्मी है जो किसकी इच्छा में चल रहे बोले जो किसकी इच्छा में चल रहे जो किसकी मर्जी को पूरा करें कोई पाप नहीं लेकिन जैसे आ, जैसे परमेश्वर में लिखा वो यहवा सच्चा मेरी दाऊद कहता चट्टान है उसमें कोई कुटिलता नहीं उसमें कोई पाप नहीं उसी तरह से धर्मी का जीवन है क्यों लिखा हमारा स्वभाव किसके जैसा हो जाए हमारा स्वभाव सबका किसके किसके जैसा हो जाए हम जानते हैं मसीह का स्वभाव कैसा था लिखा वो गाली सुनकर किसी को गाली हाँ अगर उसे कोई धमकी देता था तो आगे से वो क्या नहीं करता था तो वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था देता था ऐसे करता था वो तो सेम लिखा हमारा स्वभाव भी किसके जैसा हो जाए तो जरूरी है हमारा स्वभाव भी किसके जैसा हो जाए जैसे जैसे हम उसके जैसे बनते जाएंगे लिखा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम अपनी सारे चाल चलन में क्या हो जाओ पवित्र हो जाओ जैसे जैसे हम उसके जैसे बनते जाएंगे स्वभाव में हर चीज में वैसे वैसे खुदा का जो अनुग्रह जो हुआ है वो और आप पर बढ़ता जाएगा उसमें आप और बढ़ते जाएंगे आप सेम लबान और खजूर के पेड़ के समान फलेंगे और फूलेंगे आपको कोई घटी नहीं रहेगी ये वादा है खुदा का किनके साथ धर्मियों के साथ लिखा परमेश्वर का वादा है और वो पूरा होगा बोलो क्या होगा वो वो पूरा होगा वो पूरा होगा हर एक विश्वास करने वाले के साथ जो किसकी इच्छा में चल जो कोई कुटलता नहीं कोई पाप नहीं कोई गलत चीज नहीं कोई आंखों से पाप नहीं कोई मुंह से कोई बरियाई नहीं किसी की चुगली निंदा नहीं कोई वैर रोधता नहीं कुछ नहीं समझ आ रही मेरी बात लिखा धर्मी पर सब आशीर्वाद आएंगे क्या आएंगे धर्मी पर सब आशीर्वाद आएंगे आपको पता धर्मी की परमेश्वर कितनी चिंता करता है अगर आप शुरू में जब अब्राहम को बुलाया गया जब परमेश्वर ने कहा अपना देश छोड़ अपने कुटुंब अपने रिश्तेदारों को छोड़ जहां पे मैं कहता हूं वहां पे चला जा जब अपने देश को छोड़कर अब्राहम कहां गया? बोलो क्या है हनान दो ऐसे छोड़कर वो कनान में ऐसे चला गया ना तो वहां पे जब उसका भतीजा जो लूट था उसके साथ था बोलो क्या था क्योंकि अब्राहम एक धर्मी पुरुष था तो उसका भतीचा जो लूत है वो उसके साथ था पर हुआ क्या अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो आगे जाकर जब उनकी धन संपत्ति जितनी वो भेड़ बकरियाँ गाय बैल बढ़ते गए ना तो हर साल तो क्या होगी बढ़ोती होगी ही नहीं पर जब उसके भी ज्यादा हो गए उसके भी ज्यादा हो गए भतीजे के भी और चाचा के भी है ना तो उनमें लिखा उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ तो लूट ने कहा कि नहीं मैं इस तराई में चले जाता हूं क्योंकि उस समय तो क्या थी बहुत जमीन थी तो उसने कहा मैं इस तरह में चल गया था ठीक है पर हुआ क्या जब उससे अलग हुआ क्योंकि अब्राहम एक धर्मी पुरुष था और उस पर किसका अनुग्रह था परमेश्वर का अनुग्रह था और जब लूत उस एक धर्मी इंसान से अलग हुआ बोले के धर्मी इंसान से अलग हुआ तो उस पर विपत्ति आई उसे दूसरे राजों ने अटैक किया बोले क्या है दूसरे राजों ने क्या किया अटैक किया और उसे पकड़ कर लेकर गए फिर बोले क्या है फिर अब्राहम ने अपने कुछ ऐसे जनों को लेकर उसे छोड़ाया बचाया बोले क्या किया और फिर लिखा के लूत सदोम में रहने लगा सदोम के लोग जो पापी लोग थे जहां पे इतनी दुष्टता इतना पाप था पर एक समय जब परमेश्वर ने अब्राहम के पास जब आया बोलो क्या यहां परमेश्वर अब्राहम के पास उसे आशीष देने के लिए उसके पास आया उसके दूत और खुद यह हवा परमेश्वर और उसके बाद लिखा परमेश्वर ने सदोम को भी देखा जहां पे उसके पाप की जो चिलचिलाहट थी वो बहुत बढ़ गई बोल क्या हो गई थी पाप की जो चिलचिलाहट के सानुख लिखा उनकी पाप की जो चिलचिलाहट थी बहुत ज्यादा बढ़ गई इसको पूरा पढ़ना अठारह का सोलह से लेकर नोट कर लो अठारह की सोलह से लेकर तेतीस तक तो तुम्हें समझ आएगी यहां से धर्मी की परमेश्वर कितनी चिंता करता है बोलो क्या करता है परमेश्वर धर्मी की कितनी चिंता करता है धर्मी की तो यहां पे जब ने सुदोम और बोलो क्या है सुदोम को जब ऐसे नाश करने का ऐसे मन में सोचा तो परमेश्वर ने ऐसे सोचा कि यह बात में अपने दास अब्राहम से क्यों छुपा कर रखू यह बात मैं अपने दास अब्राहम से क्यों छुपा कर रखू फिर जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से की कि सुदोम की जो पाप की चल चलाहट है मेरे तक पहुंची तो मैं उसका क्या करने वाला तो फिर अगर हम तेईस पढ़ते हैं तो लिखा तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा कदाचित उस नगर में पचास धर्मी हो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा उन पचास धर्मियों के कारण उसमें आ, उसमें उसमें हो ना छोड़ेगा इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे क्योंकि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालें और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो ये तुझसे दूर रहे कि हाँ सारी पृथ्वी का न्याय न्याय ना करेगा योवा ने कहा यदि मुझे सुदो में पचास धर्मी मिले तो उसके कारण Uh, उस सारे स्थान को छोड़ूंगा क्या छोड़ूंगा फिर फिर अब्राहम ने दूसरी बार कहा अगर पांच घट चाहे पैंतालीस रहें फिर परमेश्वर का नहीं करूंगा नाश अगर फिर उसने कहा चालीस रह जाए तो परमेश्वर का मैं फिर भी नहीं करूंगा फिर उसने कहा अगर तीस रह जाए तो उसने कहा फिर भी नहीं उसने कहा अगर इसकी बार में मैं एक है ना यहाँ पे इकत्तीस लिखा फिर उसने कहा हे hey, प्रभु सुन मैं इतनी ठठाई तो की है तुझसे बातें करूँ कदाचित उसमें बीस मिले और बीस के कारण तो उसका नाश करेगा फिर बत्तीस में लिखा फिर उसने हे hey, प्रभु क्रोध न कर मैं एक ही बार कहूँगा कदाचित उसमें दस मिले तो उसने कहा तो मैं दस के कारण भी उसका नाश ना करूँ बोलो क्या है मैं दस के कारण भी उस पूरे नगर का नाश नहीं कर इसलिए आप जहां पे भी रहते हो जिस मोहल्ले में बोलो क्या है जिस गांव में जिस शहर में अगर आप वहां पे हो बोले क्या हूं तो आपके साथ समझ आ रही है देखो यहां पे कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर सुदोम का नाश करने वाला था तो जब अब्राहम ने ऐसे विनती की कि धर्मी को तू अधर्मी के साथ उसका भी नाश करेगा उसको भी मार डालेगा परमेश्वर का नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा बोलो क्या है <coughs> मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि सच में परमेश्वर धर्मियों की चिंता करता है बोलो क्या है परमेश्वर धर्मियों की क्या करता है चिंता करता है चिंता उनको नाश नहीं करता उन्हें बचाता है उसने कहा अगर पचास तो उसने का नहीं करूंगा अगर पैंतालीस नहीं अगर चालीस रह जाए अगर तीस रह जाए बीस रह कि उसने कहा दस तो भी नहीं करूंगा समझ आ रही है क्योंकि परमेश्वर की नजर में एक धर्मी की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। आप आम नहीं हो ना क्योंकि आपकी नजर में अगर आप धर्मी होने के काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर की नजर में एक बड़े बेहमूल्य हो बड़े कीमती हो आम नहीं हो कभी भी अपने आप को आम मत समझना क्योंकि लिखा धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है बोलो क्या है धर्मी दोहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है जग की पत्री में, में लिखा ना धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता धर्मी आप धर्मी होने के सारे काम पूरे कर रहे हो सारे विषय को पूरे कर रहे हो सब उसकी आख्याओं को पूरा करें ध्यान से सुनो कितनों को समझ आ रही है मैंने अगर आप धर्मी होने का विषय पूरा कर रहे हो क्या कर रहे हो सब परमेश्वर की आख्याओं को मार रहे हो पूरी तरह से खरियाई से वफादारी से चल रहे हो अब जो भी प्रार्थना करोगे उसका उत्तर आएगा निश्चय अब जो भी प्रार्थना करोगे उसका उत्तर क्यों लिखा कि एलिजा भी हमारे समान दुख सुखोगी मनुष्य पर जब उसने गिड़ कर परमेश्वर से प्रार्थना की मीना बरसे तो क्या हो गया समझ आ रही है क्योंकि आस भी परमेश्वर धर्मियों की सुनता ऐसा नहीं कि नहीं सुनता कितने विश्वास करते हैं कि मैं पापी नहीं मैं धर्मी हूं क्योंकि उस खुदा ने मुझे अपने लहू से बचाया है अपने लहू से खरीदा है मुझे अपने लहू से धोया मेरे गुनाहों की उसने मुझे माफी दी है अब मैं पापी नहीं हूं मैं धर्मी हूं मैं अब खुदा की निष्लंक संतान हूं बोलो क्या है अब जो भी आप लिखा अब मसीह के द्वारा हमारी परमेश्वर के पास पहुंच हुई है वो सनुग्रह था जब अब मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो आओ लिखा हम परमेश्वर के साथ मेल रखें क्या रखें जब हम मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो आओ परमेश्वर के साथ मेल रखें क्या रखें उसके साथ क्योंकि अब हमारी पहुंच उस अनुग्रह तक उस अनुग्रह के द्वारा हमारी परमेश्वर के पास पहुंच हुई आज आप जो भी यीशु मसीह के नाम से पुकारोगे कहोगे वो होगा पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी ये तुम समझ आ रही मैंने कहा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे कि परमेश्वर मेरी सुनता है जैसे दाऊद कहता ना संकट के समय उत्तर देगा चौंती भजन सहता जबूर में भी उसने ऐसे चौंती की चार में कहा ना मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली क्योंकि दाऊद भी एक धर्मी इंसान था क्योंकि वो परमेश्वर की आंखों को मानने वाला था और बरियाई से क्या करने वाला था दूर रहने वाला था लिखा मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली तो आज परमेश्वर आपकी भी सुनता है मैंने कहा आपकी भी सुनता है आप जब भी पकारोगे क्योंकि मैं तो हर समय आपके साथ नहीं ना रह सकता कि मैं हर समय आपके साथ रहूंगा कौन रहता है आपके साथ हमेशा कौन रहता है रात को कौन आपके लिए जागता है कौन जागता है जब रात को भी दो बजे भी उसे पुकारोगे एक बजे भी कौन आपकी सुनता है क्योंकि लिखा परमेश्वर पापियों की नहीं धर्मियों की सुनता है तो आपकी सुनेगा बोलो क्या है? लिखा धर्मी दोहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता और उन्हें सब विपत्तियों से सब दुखों से छुड़ाता है धर्मी सात बार भी गिरे तो सातों बार उसे परमेश्वर उठा लेता है सात बार भी गिरेंगे सातों बार उठाएगा उसकी एक भी हड्डी टूटने नहीं देगा पर वो अगर धर्मी का काम कर रही लिखा उसकी एक भी हड्डी टूटने देगी समझ आ रही मेरी बात लिखा धर्मी पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं किस पर लगी रहती है परमेश्वर की आप क्या कर रहे हो उस आपके ऊपर खुदा की आंखें लगी रहती है। करते हो विश्वास खुदावंत मेरे साथ है वो मेरी सुनता है क्या है मेरी सुनता है क्योंकि देखा पहले हम परमेश्वर से दूर थे इज़राइल की उस प्रतीक्षाओं और वाचाओं के भागी ना थे आशा थे और जगत में ईश्वर रहते पर अब मसीह के लहू के द्वारा हम निकट होंगे, उसके पास हो गए हमारी पहुंच होगी अब वो कारो तुम्हें उत्तर देगा तुम जो भी कहोगे ईश्वर सिने का तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा इसलिए ईश्वर का मांगो तो ढूंढो तो खटखटाओ तो खोला जाए, मसीह लाई डिफिकल्ट नहीं है औखी नहीं है कठिनाइयों वाली नहीं है जैसे कहते हैं ना लोग लाइफ स्ट्रगल है जिंदगी संघर्ष का नाम है ऐसे ऐसा लोग दुनिया में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं तुम समझो और विश्वास करो क्योंकि हम किसके संतान है इसीलिए धर्मी जन किससे जीवित रहेगा विश्वास से जीवित रहेगा इस वचन को देखते हैं लास्ट इब्रानियों निकालो इब्रानियों की पुस्तक उसका दस अध्याय उसकी है लिखा पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित होगा यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा पर हम हटने वाली नहीं कि नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए क्या बचाएं प्राणों को बचाए मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा बोलो मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा विश्वास से अब जो भी विश्वास करोगे वो होगा समझ आ रही है और जदि लिखा पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा अगर उसका मन उस चीज़ से पीछे हट जाए जाए वो अक जाए, थक जाए कि मेरी तो परमेश्वर सुन कितनों को समझ आ रही है? कि मेरी तो परमेश्वर सुन नहीं रहा मेरी प्रार्थना तो कोई उत्तर नहीं आ रहा लिखा जदि उसका मन उससे पीछे हट जाए तो मेरा मन परमेश्वर ने का उससे प्रसन्न नहीं होता क्या नहीं होता पर लिखा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा विश्वास से जीवित रहेगा इसलिए कहता पर हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं इसीलिए शो ने कहा जो मेरी खातर अपने प्राणों को खोएगा वो बचाएगा जो जो बचाने की कोशिश करेगा वो खोएगा जो मेरी खातर अपने प्राणों को खोएगा वो बचाएगा जो बचाने की कोशिश करेगा वो खो देगा कई लोग होता है ना जब किसी काम के लिए आते हैं कि मेरा काम काम कितने लोग आते हैं तो कई लोगों का मन क्या हो जाता है हुआ नहीं क्या पोलिस कहता है कि हम उन लोगों के जैसे नहीं है जो पीछे हट जाते हैं और नाश हो जाते हैं हम उनसे हैं जो प्राणों को बचाते हैं क्या प्राण को बचाते हैं उनमें से नहीं है जो नाश हो जाते हैं हम उनसे हैं जो प्राणों को हैं समझ आ रही है करते हो विश्वास से क्योंकि उसका जन्म किससे जीवित रहेगा विश्वास से रहेगा क्यों कहा इस जीवन की चिंता ना करो खाने पीने पहने की क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है ईश्वर श्री का कल का दिन आएगा तुम्हारी चिंता करेगा प्रैक्टिकल जब तक हम हम करके नहीं देखेंगे तब तक हमें उसके सामर्थ्य का उसकी ताकत का नहीं पता चलेगा बोलो ताकत का हमारे पास एक लड़का आता था वो उसकी उनके एक गाय थी गाय बोलो क्या थी गां तो वो गाँव उसने अच्छी बली और दूध दे रही थी और उसने एकदम से दूध देना बंद कर दी क्या कर दिया अब वो जब भी जाते तो वो क्या मारती पैर मारती ऐसे ऐसे करके जिसने बोलते शढ़िया है ना अब रस्सा बांधने से भी कुछ नहीं कोई बुरा मतलब बहुत ज्यादा वो ऐसे करते तो उन्होंने ऐसे धन्यवाद किया और विश्वास में वो रोज बाल्टी लेकर जाते थे रोज उन्हें नीचे बैठने नहीं देती सात दिन तक लगातार ध्यान से सुनो सात दिन तक वो रोज ऐसे ही करते रहे विश्वास रोज बाल्टी लेकर जाना उसने रोज नहीं माना रोज जाना रोज नहीं कर पर अपने विश्वास में वो निर्बल नहीं हुए जैसे अब्राहम भी लिखा ना अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया शक नहीं किया बोलो क्या किया शक नहीं किया शक निराशा में उसने बढ़कर आशा की उसी तरह से उसने। जब वचन किसी के अंदर होता है तो वो प्रैक्टिकल करता है। सात दिन तक करते रहे रोज जा रहे कल भी आज भी बैठ नहीं दे पर जा रहे विश्वास से पर आठवें दिन जब उस वचन को पूरा कर रहे हैं सात दिन तक तो, तो उसने गांव नहीं गाने नीचे बैठने नहीं दिया कोई दूध नहीं दिया कुछ नहीं पर वो रोज जाकर जाते कोई टीका नहीं कोई बुद्धि नहीं लगाई कुछ नहीं और आठवें दिन इतना दूध दिया कि पूरी बाल्टी ऊपर तक भर गई ये है विश्वास का परिणाम ये है विश्वास का सबूत जो हम हमारे पूरा करने से ऐसे रिजल्ट आते कि को समझ आ रही क्योंकि आप पापी नहीं हो किसकी संतान हो बोलो आप पापी नहीं हो किसकी संतान हो किसकी संतान हो क्योंकि परमेश्वर पापियों को नहीं लिखा धर्मियों की सुनता धर्मी दोहाई देती है और परमेश्वर उनकी सुनता है। आप निकट हो गए आपकी पहुंच होगी बोलो क्या है हमारी पहुंच होगी अब जब भी पुकारो खुदा उत्तर देगा कितने लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं मैंने पिछले दिनों में आपको कहना रोज एवरी डे आपके जीवन में एक गवाही होगी एवरी डे आप एक गवाही को एक काम को लेकर सोच रहे हो ना ये हो जाए एवरी डे रोज आपकी गवाही होगी जहां पे भी आपकी तो आपकी जो भी तकलीफ होगी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बस हाथ रखो धन्यवाद करो यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई हूं खरीदा गय उसके कोड़ों की मार से खुदा ने मुझे आजाद कर दिया उसने चंगा कर दिया मैं पापी नहीं हूं धर्मी हूं अब धन्यवाद करो विश्वास करो ये मेरे लिए नहीं अब जो भी मांगोगे जो भी करोगे वो होगा सच प्रैक्टिकल करके देखो देखो रिजल्ट आते कि नहीं आते मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखो रिजल्ट आते कि नहीं आते क्योंकि आप पापी नहीं हो धर्मियों और धर्मियों की सुनता है आप पहुंचो कि आप परमेश्वर आपकी सुनता है ऐसे नहीं कि मेरी सुनता है सिर्फ बोलो क्या है परमेश्वर मेरी सुनता है सिर्फ मेरी सुनता है परमेश्वर आपकी सुनता है आप पुकारो और उत्तर वो देगा समझ आ गई मेरी बात कितनों को आ गई पर दीन रहना दीन नंबर रहना है ऐसा ना हो जाए कि कहीं मन में क्या आ जाए समझ आ रही है क्योंकि परमेश्वर और अनुग्रह करता है जैसे जैसे परमेश्वर के जीवन में काम करे और बड़े और दीन होते जाना क्योंकि लिखा दीनों पर और परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है क्या कहता है धीनों पर वो और अपना अनुग्रह करता है हमें त्योहारा से प्रैक्टिकल करने के लिए बढ़ने के लिए उसके आगे प्रार्थना करने के लिए क्योंकि हमारी वो सुनता है क्योंकि हमारी पहुंच होगी अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो तारीफ करते हुए खुदावन की इन वचनों के लिए मांगू के परमेश्वर जितना वचन मैंने आज सुना मेरी जिंदगी में सौ गुना फलों को लेकर आ अंगीकार करो आज के वचन के लिए विश्वास करो कि मैं परमेश्वर जो मैंने आज सीखा और समझा मैं पापी नहीं मैं धर्मी हूं तेरा वचन कहता तू पापियों की नहीं धर्मियों की सुनता है धर्मी दोहाई देते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब व्यक्तियों से छोड़ाता है और लिखा धर्मी लोग खजूर के समान लब्बा नौ देवदारों के उस पेड़ों के समान फलें और फूलेंगे क्योंकि धर्मियों की परमेश्वर सुनता है और सब इप्तियों से शोड़ाता है लेकिन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा वो विश्वास से जीवित रहेगा परमेश्वर है अगर हम उसका मन पीछे हट जाए तो मैं उससे प्रसन्न नहीं मैं खुश नहीं होता कहता हम उन, उन लोगों से नहीं है जो पीछे हट जाते अपने प्राणों का नाश करते हम उनमें से हैं जो प्राणों को बचाते इसलिए धन्यवाद करो और विश्वास करो कि परमेश्वर मैं पापी नहीं हूं मैं धर्मी हूं तूने मेरे गनाहों से मेरे पापों से मुझे माफी दे दी अब का बीमारी का, तो का किसी भी चीज का मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं पर बाइबल कहती है कि अपने धर्मी होने के विषय को पूरा करते जाओ क्योंकि लिखा धर्मी पर सब आशीर्वाद पूरे होते हैं पर कब पूरे होते हैं जब हम धर्मी के उस विषय को पूरा करते हैं परमेश्वर का भय रखते हैं डर रखते हैं उसकी सब आख्यों को पूरा करते हैं इसलिए धन्यवाद करो धन्यवाद करो इन वचनों के साथ जिसने आपको अपने लहू से खरीदा है लिखा उसके लहू के कारण ही हम निकट हो गए हमारी पहुंच हुई है पहले हम इस जगत में आशाहीन थे जगत में ईश्वर रहते इसलिए धन्यवाद करो के परमेश्वर तू मुझे आज इन वचनों के द्वारा स्वर्ग से बढ़िया शीश दे चुका है मेरे बंद रस्तों को खोल चुका है मेरे बंद रस्तों को खोल चुका है मेरी बुद्धि को खोल चुका है यस खुदा तू मेरी बुद्धि को खोल चुका है आज का वचन जितना मैंने सुना खुदा मेरे जीवन में सौ गुना फलों को लेकर आए Yeshu Masi naam se. Amen. Amen.